जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों हनुमान जी की तीन चौपाई जिन्हें सिर्फ सुनने मात्र से मिलता है खुद हनुमान जी का साथ, क्या आप जानते हैं उन चौपाई के बारे में जिनके सिर्फ सुनने से ही आप हनुमान जी को अपने साथ पा सकते हैं? तो आइए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ उन चौपाइयों के बारे में। माना जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हम में से काफ़ी लोग हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा में ही ऐसी तीन चौपाई है जिसको अगर आप सुबह उठकर पढ़ते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। अगर हम रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम पे बहुत अच्छी कृपा बनी रहती है हनुमान जी की। लेकिन अगर आपके लिए संभव नहीं है कि आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ कर पाए तो आप सोने से पहले या सुबह उठते ही इस मंत्र का यानी इस चौपाई का जाप जरूर करें, जो कि है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि वीता देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इस चौपाई को अगर आप सुबह उठते ही अगर जाप करते हैं या फिर रात को सोने से पहले इसे पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका मतलब है कि हे पवन कुमार, मैं आपको याद करता हूँ और मुझे बुद्धिहीन समझकर मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरी सारे कष्टों को हर लीजिए। और दूसरी चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका मतलब है, हे हनुमान जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे रक्षक हो तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चौपाई है, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका मतलब है, हे हनुमान जी, आपने विशाल काय रूप लेके समुद्र को पार किया और लंका में जाके राक्षसों का संहार किया और रामचंद्र जी के कामों को भी पूरा किया। मात्र इन तीन चौपाइयों को पढ़ने से आपके घर में धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आपको मात्र इन तीन चौपाइयों को पढ़ने से पूरे हनुमान चालीसा पढ़ने योग्य सफलता मिलती है, इतना ही फल मिलता है। दोस्तों अगर आप पूरी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है फिर भी आप इन तीन चौपाइयों को पढ़ के अपने सारे दुख दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।